ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायकः दुम्रगे दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि यापडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर उपस्थित हूं। और आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए जुलाई के मध्य भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति जिन दिनों यहां पर जो योग बना रहे हैं वो बड़ा ही विशेष है। आपकी राशि के स्वामी के साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल जाकर आपकी राशि के स्वामी के साथ विराजमान होने वाले हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से जहाँ होने वाला है वो आपके लिए कई अच्छे रास्तों को देने वाला है। सूर्य ने आपको कई बार से एग्रेसिव बना रखा था, अब वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके लिए बहुत विशेष योग बनाएंगे। ऐसे में बृहस्पति महाराज का जो योग है आपकी राशि के स्वामी जो है वो बड़े विचित्र चल रहे हैं। वो दो धारा फल दे रहे हैं आपको, नेगेटिव फल भी दे रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने का समय है अभी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है, भड्डली नवमी आने वाली है और साथ साथ कई सुंदर तिथि संक्रांति आने वाली है। इन सब के परिवर्तन से आपके लिए ये मुहूर्त, मत ये मान लीजिए ये केवल उत्सव नहीं है, ये मुहूर्त हैं जो आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। और यदि उन चीज़ों को समझकर, कई देखो जीवन में समय चलता रहता है, घड़ी चलती रहती है, कोई घड़ी देखे तो बदल, यहाँ एक सेकंड बदल गया, ये सेकंड बदल गया, लेकिन उन घड़ी पलों को किस प्रकार, उनका प्रभाव क्या है, ज्योतिष यही समझाता है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम ग्रस्त हैं, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम व्यवसायी हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में हमारे लिए कौन सा समय उपयोग करने वाला है ये आपको समझ लेना चाहिए। इसी को कालगणना कही जाती है और कालगणना ज्योतिष जो है वो विशेष कालचक्र के अनुसार से जो समझ लेते हैं समय को, वो समय को वश में कर अपने जीवन में वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। मंगल का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन भाग्य में जाने वाले हैं बुध महाराज। सूर्य आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, ये सारे के सारे विशेष योग इन दिनों बनने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। संसार के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन आपकी राशि धनु राशि वालों के लिए इन सब परिवर्तनों का क्या प्रभाव रहेगा वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें और फिर समाज को, समय को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं 11 जुलाई की, बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि और साथ साथ कन्या राशि में इस दिन चंद्रमा का पदार्पण रहेगा। कन्या राशि आपकी राशि के अनुसार दशम भाव में बैठी हैं, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहे हैं चंद्रमा को और उसी नक्षत्र में चल रहे हैं जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये चंद्रमा बृहस्पति का संबंध जग बहुत में प्रसिद्ध है और ये कहा जाता है कि बड़ा सुंदर योग बनता है। वैसे जन्मपत्री में बन जाए तो उसको गजकेसरी कहा जाता है, गोचर में यही योग बन के तैयार है और ये आपके लिए आने वाले 3-4 दिनों में बहुत सुंदर योग बना सकता है, लाभ दे सकता है, इनकम में इजाफा कर सकता है। तो आपको इस समय का उपयोग करना है, उपाय वो भी बता देते हैं आपको। कुमारी की षष्ठी का योग है, नवरात्र का, गुप्त नवरात्रि का पंचम दिवस है। स्कंद माता, स्कंद माता वो जो भगवती के रूप में विराजमान है उनकी गोदी में स्कंद बैठे हैं और षष्ठी का योग बनने के कारण से कुमारी षष्ठी का योग बन गया है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ने का योग बना सकते हैं, लाभ के योग भी ले सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमः, देवी सूक्त का पाठ करें, कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो चंडी पाठ करें। देखिए गुप्त नवरात्रि चल रही है और इसी चीज़ के वर्चस्व को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि के अवसर सहज चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया, अभी वो यज्ञ चल रहा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर आप उस सुंदर मुहूर्त का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, भाग्य जाग सकते हैं। बृहस्पति महाराज को सुंदर योग बन रहा है, जाने वाले 3-4 दिनों में ये आपके लिए बहुत वारे न्यारे करा सकता है। तो ऐसे में जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, भगवती के जितने मंत्र बताए हम, जितने स्तोत्र के नाम लिए, वो सब पाठ करने का प्रयास करें। समझ में नहीं आया तो चिंता ना करें, यूट्यूब पर है, आप दोबारा स्क्रोल करके वापस जाइए और समझ लीजिए। ये टीवी वाले शो नहीं है, चले गए तो चले गए, यहाँ हम आपको हर चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं सुंदर रूप से, आप उन सबको सूत्र रूप में समझ सकते हैं। 12 जुलाई की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, छठा नवरात्रा है और उस दिन सप्तमी के साथ में योग होने के कारण से वैवस्वत सप्तमी का योग बन गया है
और मंगल भी परिवर्तन कर रहे हैं राशि को, और वो जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति के साथ पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में जाके बैठने जा रहे हैं, और ये विशेष योग बना रहे हैं। शाम को 9 करीब 7 बजे के आसपास ये योग बनने वाला है, और ये योग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से आपके शत्रुओं पर को शमन करने में रास्ता देगा, विजय प्राप्त करने में शमन देगा। बृहस्पति वहाँ पर अननेसेसरी शत्रु को बढ़ा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ जो संबंध चंद्रमा का बना हुआ है, मंगल का बन गया है, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बनता दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा जब हट जाएगा तो भी खर्चे बढ़ा देगा, अननेसेसरी के क्लैश बढ़ा देगा, अननेसेसरी के शत्रुओं की बाधा उत्पन्न कर देगा, तो इसके लिए आपको खास उपाय करने की ज़रूरत है। नवरात्र आने वाले चल रहे हैं, और ऐसे में भगवती कालरात्रि का पूजन भी किया जाएगा अगले दिन। आज कात्यायनी जी का पूजन है, कल कालरात्रि जी का पूजन है, तो ऐसे में आपको उन सब का पूजन करके शत्रुओं को मर्दन करने में, दबाने में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का में 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये नवरात्र का अवसर चल रहा है, गुप्त नवरात्रि में आपके गुप्त शत्रुओं को समाप्त करने के लिए अवश्य माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें तो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। 13 जुलाई का अवसर, शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, और इस दिन भद्रा भी रहेगी करीब करीब दोपहर को 3:50 के बाद से, तो 3:50 से पहले पहले नए कार्य आरंभ करने हो तो कर लें, उसके बाद मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रख लें अवश्य। और साथ साथ इस दिन रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ बना हुआ है, जो आपके लिए बहुत सुंदर है, धन आगमन की सुंदर रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये बृहस्पति का संबंध कल हट जाएगा, लेकिन ये आज शुभ योग में अवश्य जितना हो सके भगवती की आराधना करने, हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम रखा हुआ है उसमें भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। 14 जुलाई का अवसर, रविवार की तिथि, और तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अच्छा रहेगा परिवर्तन, जो शुक्र के साथ संबंध बृहस्पति का स्थापित होने जा रहा है चंद्रमा का होगा, ये बहुत अच्छा आपके लिए कहीं ना कहीं राशि के हिसाब से परिवर्तन का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे परिवर्तन के हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने की भी ज़रूरत है, वो भी समझ लें। देखिए इस दिन गुप्त नवरात्र समाप्त होंगे, अष्टमी और नवमी का योग है, हमारे आश्रम में हमने यज्ञ रखा है बड़ा, जो गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है वो शाम को समाप्ति की तरफ, सुबह समाप्ति की तरफ जाएगा, सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक भंडारे के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि पूरे यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए तो कम से कम पूर्णाहुति के समय आकर अपना आहुति भगवती के समक्ष अर्पित करें, दर्शन करें, माँ भगवती की मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 15 जुलाई ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है वो भी जान लीजिए, भड्डली नौमी है इस दिन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी सोमवार के दिन पड़ रही है, और ये अनुसूज साया है, कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर तिथि है, इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। इसके बाद 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा, देव शयन हो जाएगा 2 दिन बाद, और देव शयन होने के बाद कहा जाता है कि समस्त शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जो नया कार्य शादी विवाह मुहूर्त, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन ये योग जो है कुछ क्षेत्रवाद के अनुसार से, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। तो आप समझें इस क्षेत्र में रहने वाले उत्तर भारत के क्षेत्र में ये मुहूर्त बड़ा विशेष है, तो इसका लाभ ले सकते हैं कोई नए कार्य आरंभ करने के लिए। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो योग बने हुए हैं वो आपके लिए अच्छा लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में आप सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। संत महात्माओं की जितनी सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। भड्डली नौमी है, पुण्यों को जगाने वाली नौमी है। 16 जुलाई की बात करें तो मंगलवार दशमी तिथि, और सूर्य इस दिन कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होने के कारण से ये मंगलवार के दिन योग बना है, और इसके सम्मुख जो मंगल जो मकर राशि है वो भी मकर संक्रांति जो है वो मंगलवार का ही योग बना रही है, तो ऐसे में दोनों संक्रांतियां मंगलवार को जब पड़े तो कहा जाता है महंगाई की मार संसार पर बहुत बुरी पड़ती है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यदि आप समझने का प्रयास करें तो आपके लिए ये योग विशेष तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा भयावह हो सकता है, क्योंकि मंगल भी आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मंगल को शांत करें और शनि को भी ठीक करने का प्रयास करें, शनि पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है आपको, आपकी आगे बढ़ती हुई गति को धीरे धीरे पीछे की तरफ ला रहा है। इस वक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हमने आश्रम पर इस योग को ठीक करने के लिए इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, स्वाभिमानी का भोग लगेगा, आप भी उसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से इस यज्ञ आहुति में और इस सुंदर कार्यक्रम में पुण्यदायक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए अपने फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 17 जुलाई का अवसर, बुधवार का दिन, एकादशी तिथि है और देवशयनी एकादशी,
ये देवशयनी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, देव शयन होने जा रहा है। यानी देखे देवता भी, कई लोग हमारे बिना अज्ञानता के कारण से मजाक भी उड़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लिख के अपने अपने मैसेज आप पढ़ सकते हैं, उन सब लोगों को कि जो अपने अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं विभिन्न प्रकार के मैसेजेस को लिख कर। देव शयन, देव शयन यानी हनुमान भी सो जाते हैं। अरे इस संसार में, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। किसी को बहम ना हो जाए कि इस संसार में वही चला रहा है। कई बार मुझे और आपको भी बहम हो जाता है कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, अपने संस्था को चला रहा हूँ, तो मैं ना रहूँगा तो ये संसार, संस्था नहीं चलेगी, संसार बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। यही वास्तविक प्रमाण करता है देव शयन। भगवान विष्णु इस संसार के पालक हैं, वो चलाते हैं। जब वो शयन करने चले जाते हैं तो कोई और आ जाता है, भगवान शिव के हाथ में सत्ता आ जाती है और बहुत बढ़िया चलता है संसार। वृष्टि का योग बन जाता है, सावन शुरू आ जाता है, सब जगह नई उत्पत्ति होने का योग बन जाता है, नई शक्ति से पूरा संसार आगे बढ़ता है और ज़्यादा। तो आप समझे ये संसार का अविरल क्रम है, कोई रहे ना रहे ये संसार अविरल चलने वाला है। इसलिए आप शांत हों, अपनी स्थिति को थोड़ा शांत करने का प्रयास करें। शांत होंगे तो नई शक्ति का सृजन करेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंभु के हाथ में संसार की सत्ता आ जाती है, और जो भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं, उनको प्रसन्न करना आसान मुश्किल थोड़ी है। एक लोटा लो जल भोलेनाथ को डालो और भगवान प्रसन्न आशीर्वाद अथास्तु करने का आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जिन्होंने भी वर्चस्व स्थापित किया, जो आगे बढ़ने का प्रयास किया, सबने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और शंभु तो दीन के दिनों के समस्त प्रकार से कष्ट हरने वाले हैं। और तो आप समझे, हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर योग पर पूरे नवरात्र, पूरे सावन के महीने में विशेष तौर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है जो नित्य प्रति चलेगा। आप भी अपने नाम से करा सकते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सुंदर उपयोग रहेगा। तो देव शयनी एकादशी के दिन जो सुंदर ग्रहों का योगा योग है, वो समझ लीजिए क्या करने जा रहा है आपके लिए। आपके लिए सुंदर बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध बना हुआ है ऐसे समय में जो ग्रह योग दिखा रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं धनुराशि वालों के लिए, सावधान होना पड़ेगा। जो चंद्रमा के साथ संबंध जो बना हुआ है, वो खर्चे बढ़ रहे हैं, लीकेज बंद करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन तो आता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में परेशानी एंजाइटी को भी ला रहा है, ऐसे ग्रह योग दिखा रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में क्या किया जाए? कहा जाता है शास्त्र में एक उपाय है कि भगवान विष्णु को स्नान कराने के उपरांत जो जल बचे उसको चरणामृत बनाकर उसको ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम, शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी इस दिन शुभ तिथि में आप भगवान का चरणामृत ग्रहण करें और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। और आपके जो ग्रह कहीं कष्ट दे रहे हैं तो उसको परिवर्तन की तरफ आप ले जा सकते हैं। ये सुंदर उपाय का लाभ लीजिए आप 18 जुलाई का अवसर, बृहस्पतिवार, द्वादशी तिथि। और ग्रह नक्षत्रों का योग जैसा हमने आपको बताया, गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ कष्ट भी देने के योग दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आवश्यकता रहेगी बृहस्पति को ताकत देने की। बृहस्पति इंद्रों लगातार आपकी राशि के अनुसार से जो छठे भाव में चल रहे हैं, मंगल के साथ आकर थोड़ा सा अशुभ योग बना रहे हैं और क्लेश करने के योग दे रहे हैं, शत्रु पक्ष को हैवी करते दिखाई दे रहे हैं, आप पर भार बनता दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करने का अवसर है। उसके लिए बृहस्पति का उपाय करें, केले का पूजन करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन की सहायता करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। तो ये तिथि वही दिखाती है, इसमें आप ये कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 जुलाई का अवसर, शुक्रवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है इस दिन, और साथ साथ इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, ये नई शक्ति का संचार करेंगे। सुबह 3:24 पर ये परिवर्तन होगा और शाम को करीब करीब 9:45 के आसपास बुध भी परिवर्तन की तरफ आ जाएंगे। बुद्ध का ये परिवर्तन आपके भाग्य को जगाने के लिए हो रहा है। बुद्ध महाराज, जो आप चीज़ों को आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, बुद्ध भाग्य में आने के बाद कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की नई शक्ति आप में दे सकते हैं। ऐसे में जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, खर्चे बढ़ रहे हैं अननेसेसरी के, इन दिनों देखा होगा आपने अननेसेसरी के जुर्माने आपके ऊपर होने के योग बन रहे हैं, उसको ठीक करने का अवसर सही चल रहा है धनुराशि वालों। कैसे किया जाए उसको, आपको ठीक करने का, स्वास्थ्य को ठीक करने का, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने का दिन अद्भुत है। शुक्र प्रदोष है, प्रदोष यानी त्रयोदशी शाम के समय व्याप्त रहेगी और शुक्रवार का योग बन गया है तो शुक्र प्रदोष हो गया है। भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान विष्णु शय्या पर विश्राम के लिए चले गए हैं, तो घी लेकर भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक किया जाए, उसके द्वारा भगवान शंकर का। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुखी मामृतायै ॐ नमः शिवाय। जो भोलेनाथ का मंत्र याद हो उसके द्वारा इन सबका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। रुद्र सूक्त के द्वारा कर सके तो बहुत अच्छा है। नमस्त रुद्रमन्ने वोतो तई खवे नमः बाहुभ्यमुतते नमः, या पूरी रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, पूरे 8 अध्यायों के द्वारा।
ये शुभ योग है, ऐसे में शुक्र प्रदोष को छोड़ना नहीं चाहिए, ये पुण्य काल है, मुहूर्त का काल है, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या योग है वो भी हमने आपको बताया, उपाय भी बताया, इसको कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 20 जुलाई की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, सत्यव्रत इसी दिन रहेगा, चतुर्दशी उदया तिथि है, शाम के समय पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा और अगले दिन गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर रहेगा, आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और सद्गुरु आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के का सुंदर पूजन, उनका आशीर्वाद ग्रहण, उनके निमित्त यज्ञ इत्यादि का सुंदर कार्यक्रम, भंडारे इत्यादि का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, अवश्य उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। और ये ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, वो भी समझ लें कि आपके लिए विशेष तौर पर ये बुध के परिवर्तन होकर भाग्य में नए रास्ते जोड़ने के योग बन रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि को लगातार आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि और बुध की आपस में युति चल रही है जो कहीं ना कहीं आलस उत्पन्न करती दिखाई दे रही है, उसके लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। शनि को उपाय करने का प्रयास कीजिए, शनि को मनाने का प्रयास कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो कल्याण करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना, एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़ का मजाक उड़ाकर जिंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है, भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देशकाल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की कालगणनाएँ जो हैं वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल्के छोटे छोटे परिवर्तन से, लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, ये कुछ ग्रहों का योगा योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है वास्तविक तौर पर, समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी, जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे, और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है, और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा, और आज ही मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं, प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक के आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी, और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं, और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएँ लिखी हैं, और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ ले और ज्योतिष को हास परिहास में ना उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है, हमारे आश्रम पर नित्य निवारण। देखिए, ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण, एक निवारण।
कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे है, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योग ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के जमाने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं माँ भगवती के सानिध्य में। अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर ना गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्यपति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पर रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक, भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तब बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो तुम जाओ, और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पर जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की शिव विग्रह है उसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 16 जो 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।